हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके, दिनकर जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, मुरारी जी देसाई जी ने, ईश्वर अय्यर ने। आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1976 में, 1984 में, 1978 में। सही आंसर हो जाएगा आपका 1974 में। अगला है प्रश्न हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा में, बलिया में, छपरा में। सही आंसर हो जाएगा आपका सिताब दियारा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर देना है आपको। जिसका भी आंसर आपको आता हो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन है आपके, निबंध है या भाषण है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका एक भाषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, उसने कहा था, जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, बिटू, किटू, बाउल या मोनू। सही आंसर हो जाएगा आपका बाउल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो रचना है ये किसकी है? ऑप्शन है आपके पास, रामधारी सिंह दिनकर, रामरक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट। सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी, प्रभा सिंघा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका प्रभावती देवी। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सत्यदेव।